आईबैक्स न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर और धर्मों के साथ साथ हिंदू धर्म का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? जैसे लोगों से यहाँ आसपास हमने सुना या हमने भी फोटोज़ वगैरह ली जो लोगों के कहने पे, वहाँ काली माता का मंदिर है, वो कई सालों से बोल रहे हैं लोग कि बंद है, और वहाँ पर अब बौद्ध जो धर्म है उनके अनुसार वहाँ पर मूर्ति की स्थापना कुछ और हो गई है। नीचे वहीं साथ में हनुमान का मंदिर है, उस पर भी लोग सुबह शाम पूजा आरती वगैरह नहीं कर पाते हैं ना जा सकते हैं, तो वहाँ पर वो कई बार वो मैक्सिमम लोग कहते हैं कि वहाँ ताला बंद हो रहता है। आप यहाँ के प्रतिनिधि चुने गए हैं, आप क्या समझते हो कि आपको किस तरह से लोगों की भावनाओं को साबित करना है? कि पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने बहुत ही हिंदू धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न उठाया। शायद हमसे पहले जो लोग रहे होंगे उन्होंने प्रश्न उठाए कि नहीं, लेकिन आपने जो बात उठाई, यहाँ हमारे एक साल में एक बार प्रोग्राम होता है, उस दिन उस मंदिर को खुलवाया जाता है, विधिवत रूप से वहाँ पूजा अर्चना की जाती है नवरात्रों के समय में। जहाँ तक प्रतिदिन का प्रश्न है, ऐसा अभी तक वहाँ हो नहीं पाया है, और अगर हिंदू धर्म संबंधित लोग इस बात को उठाएंगे तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हम अपने बौद्ध धर्म के भाइयों से, साथियों से और मंदिर वालों से इस बात को उठाएंगे कि ऐसे लोगों की इच्छा है, आप कृपया इसमें हमारा सहयोग करें और हिंदू धर्म वाले लोगों को भी वहाँ पूजा अर्चना करने दी जाए। ठीक है, एक आपके यहाँ पर एक हिंदू धर्म के साथ ही ऊपर एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर वहाँ पर एक धारणा थी कि जब कभी बहुत गर्मी तपती थी तो लोग वहाँ पानी उड़ेलते थे शिव पिंडी पे, और फिर वो झील में पानी पहुँचता था। तो मतलब यहाँ कम से कम 8-10 गांव है जो जिनके आस्था का केंद्र वो रहा है, आज वो अपने विकास के लिए तरस रहा है, उसका जीर्णोद्धार नहीं है। शिव जो नंदी बैल है वो भी अब खंडित मूर्ति हो गई है, और जो वहाँ मेन पिंडी है उनके भी वहाँ पर नहीं है, और दूसरे धर्म वाले लोग अब वहाँ पर बोलते हैं कि ये हमारे धर्म की उत्पत्ति यहाँ से हुई है, ये हमारा मेन उद्गम स्थान है। ऐसे में वो भी अपना आकर्षण हो रहा है, आप किस तरह से इसको मेन धारणा में लाओगे? मैडम, यहाँ तीन धर्मों का स्थान है, और ये जो हिंदू धर्म की बात है, ये जो शिव मंदिर की आप बात कर रहे हैं, जब इन मंदिरों का बंटवारा हुआ तो जो यहाँ के महंत थे और जो आज भी हैं, वो उसके पुजारी भी हैं, वहाँ से जो भी श्रद्धा के रूप में पैसा आदि तो वो भी वही लेते हैं और उसका रखरखाव भी वही करते हैं। लेकिन सरकार के समक्ष शायद पहले बात नहीं उठी होगी कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए, तो आपने इस बात में बात की, तो जब भी हमारा यहाँ पर मीटिंग होगी तो उसमें इस बात को रखेंगे। ये एक धार्मिक संस्था भी है यहाँ हिंदू धर्म की, वो भी इन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, और आप घाट भी देख रहे हैं, उन्होंने एक अच्छा काम किया है यहाँ, उसका क्या नाम है सर, मैं भूल गया उसको, जो हिंदू धर्म की संस्था है यहाँ, वो काम कर रही है, और उसका बेकायदा प्रधान का चुनाव होता है, और वो नैना देवी के साथ और इन मंदिरों के साथ जोड़ करी हुई एक संस्था बनी है, वो भी इनको देख रही है। नगर पंचायत ने हाल ही में यहाँ की हिंदू धर्म की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अभी 20 लाख का एक प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था झील के उसको ठीक करने के लिए, और वो प्रोजेक्ट मंजूर हो गए हैं और उसकी अंतिम औपचारिकता है उनको पूरा किया जा रहा है, बड़ी जल्दी वो पैसा रिलीज होने वाला है और यहाँ उसको करेंगे। एक झील के अंदर पार्क बनाने की भी है हमारी, पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़े, लेकिन उसमें ये वेटलैंड है, अब उससे सरकार वेटलैंड हाँ, तो अगर परमिशन मिली तो उस दृष्टि से भी इसको सैलानियों की दृष्टि से विकसित करने के लिए नगर पंचायत प्रयासरत है। और यहाँ पर जो चिड़ियाघर है उसके भी बुरे हाल है, नया जानवर कोई आया नहीं, पुराने भी जो है वो बचे नहीं, और जो इवन आपको आपके पास कभी शिकायत नहीं आती कि जो यहाँ उनके जो बेयर जो भालू है यहाँ पर उनके जो पिंजरे है वो भी इतने जीर्ण अवस्था में है कि कोई भी अपनी जान हथेली पे रख के वहाँ पर भ्रमण के लिए जाते हैं, आपके पास कभी कोई कंप्लेंट नहीं आया? हमारे पास कंप्लेंट तो नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कि जो एरिया है इतने छोटे एरिए में इतने जानवरों का रखरखाव कर पाना बड़ा मुश्किल है, और दूसरा कई बार हम भी अंदर गए तो देखने में ये आ रहा है कि उनके खुरों से मिट्टी भी निकाल दी गई है। अब कितना चारा आता है हमारे पास ऐसी कोई है नहीं कि कम चारा आता है, या वो जानवर ज़्यादा रखे गए हैं वो कम मात्रा में होने चाहिए, ये तो विभाग ने देखना है। व्यक्तिगत तौर पर हमारी कभी कोई शिकायत नहीं आई, पर मैं अपनी तरफ से ये समझता हूँ कि इसके लिए एरिया बड़ा होना चाहिए ताकि उन जानवरों का ठीक रखरखाव हो सके,
और अधिकारी देख रहे पर्याप्त मात्रा में उनको चारा घास मिल भी पा रहा है कि नहीं पा रहा। हम आक्षेप नहीं लगा सकते क्योंकि जानकारी हमारे पास नहीं है, इसलिए वहाँ के कर्मचारियों अधिकारियों पर हम आक्षेप नहीं लगा सकते। लेकिन जो धरातल पर वहाँ बात दिखती है कभी अंदर जाएं तो बाकी जगह हरा भरा है और बीच में मिट्टी तक निकल गई है, तो क्या इतने पशु इतने छोटे एरिए में रखना उचित है जानवर, या उन जानवरों को कहीं सजा तो नहीं चिड़ियाघर के नाम पर मिल रही है? ये देखने की बात मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि उनको सजा मिल रही है वहाँ जी। कम मात्रा में हो, हर प्रजाति का एक एक पशु या पक्षी हो, तब उनका रखरखाव भी वो लोग भी ठीक ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि एरिया छोटा है। जब उनको खुले में छोड़ते हैं तो मेरे को लगता है बड़ी ठीक व्यवस्था वहाँ रह नहीं पाती, प्रयास करने के बावजूद भी उस विभाग के। तो हम सरकार से तो ये चाहेंगे कि या तो इस क्षेत्र को और बड़ा किया जाए और अच्छी व्यवस्था, ऐसा ना समझे हमारी बात करके इसको उठाया जाए, बल्कि तो विकसित किया जाए और यहाँ सुविधा दी जाए, एरिया को उठाया जाए, तो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ के जो दुकानदार हैं होटल का काम करने वाले उनको भी फायदा होगा, सैलानियों को भी अच्छा लगेगा।